श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि जब देवहूति के माता पिता अपने राज्य को चले गए, देवहूति राजकुमारी थी, उसको सब मालूम है, वो कुशल थी सारे पति की सेवा करने में, कैसे करनी चाहिए, सभी प्रकार की सेवा में कुशल निपुण थी। उसने प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा की, दिल लगा करके पति की सेवा की, उसमें दंभ अहंकार द्वेष लोभ मद मात्सर्य नहीं था, पूरी भक्ति से सेवा की, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पति देव एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान से बात किए हुए हैं, वो भगवान को देखते हैं, उनके पास अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, ऐसा पति होना चाहिए जो भगवान से बात कर सके, ऐसे पति की सेवा करने से ही वो असली पत्नी कहलाती है। ऐसा नहीं आजकल के बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू पीते हैं, चाय पीते हैं और ऐसे पति की सेवा करो, भाई पति ही भगवान है, भगवान ऐसा संसार आ गया है। अभी देवहूति अपने पति को संतुष्ट करने में बड़ी तपस्या कर रही थी, इसलिए उसका शरीर भी हल्का पड़ गया, गिर गया, कमजोर हो गई वो, और वहाँ साबुन नहीं, तेल नहीं, सो कपड़े भी गंदे रह गए, उसके बाल भी जटा लटा जैसे हो गए, क्योंकि राजमहल में बढ़ने वाली बेटी और आ गई कुटीर में, कुटिया में रह रही है वो पति की सेवा में। एक दिन कर्दम मुनि ने देखा अपनी पत्नी को, उतनी कमजोर हो गई है वो बोला, अरे तेरी के रे मनुपुत्री, तुमने बहुत सेवा करी मेरी, इसलिए मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं, अपने शरीर की तूने परवाह नहीं की, मेरी ही परवाह में लगी रही। देखो मैंने तपस्या करके कितनी सिद्धियां प्राप्त की है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य दृष्टि भगवान ने अर्जुन को दी थी भगवद गीता में, महाभारत में, उसका विराट स्वरूप देखने के लिए। देखिए योगी दे रहा है दिव्य दृष्टि अपनी पत्नी को, देवहूति को, कितनी आध्यात्मिक शक्ति होगी उसमें, भगवान योगेश्वर है, ये तो योगी है। देखो मनुपुत्री देवहूति, मैं तेरे को वो दृष्टि देता हूं जो मैंने कितनी शक्तियां प्राप्त की हैं, सिद्धियां, उनको देख, इन सिद्धियों के कारण तेरे को दिव्य भोग मिलेगा, वो भोग मिलेगा जो दुनिया में किसी को नहीं मिलता। आजकल तो पैसा हो गया है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं सुख भोगने के लिए, लोग सोचते हैं, इतने दंभी अहंकारी लोगों को दिव्य सुख क्या होता है उनको पता नहीं, और पता नहीं पड़ेगा, देखिए क्या होता है। ऐसी बात सुन करके तो मनुपुत्री को खूब संतुष्टि हुई, उसने समझ लिया कि मेरे पति तो साधारण है नहीं, और वो तो सब कुछ कर सकते हैं, सर्व सिद्धि प्राप्त हैं वो, सभी विद्याओं में कुशल है मेरे पति। फिर वो पति को संतुष्ट देख करके ऐसे बोली, हे पतिदेव, आपने शादी के समय वचन दिया था कि संतान दूंगा तुमको, और किसी भी श्रेष्ठ पत्नी को अपने श्रेष्ठ पति से संतान की अभिलाषा होती है, मेरे को संतान की इच्छा हो रही है, मेरी काम वासना अंदर से सता रही है, अभी तक कर्दम मुनि ने उसको छुआ नहीं है, तो वो कह रही है, हे पतिदेव, हमारे समागम के लिए, संतान प्राप्ति गर्भ धारण करने के लिए हमारा समागम होना है, समागम और भोजन और शयन एकांत में होता है, तो उसने कहा कि हमारे समागम के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि यहां तो साधु सब आते रहते हैं, अभी कुटीर में कुटिया है, एक कुटिया झोपड़ी। हे पतिदेव, मेरे को काम सता रहा है इस समय, ऐसा बोल रही थी वो। तो मैत्री मुनि कहते हैं, प्रियाया प्रियमन मिच्छन कर्दमो योगमास्थितः,
अपनी प्रिया का प्रिय करने के लिए कर्दम मुनि योग धारणा में बैठ गए। विमानम कामगम क्षेत्रस्तरिहेव विरचि करत, उस योग धारणा से उन्होंने एक विमान सृष्टि किया। विमान माने जहाज उड़ने वाला, हवा में जहाज जो पेट्रोल से इंजन से नहीं चलता और मन की स्पीड से चलता है। ये विमान तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं, कोई अच्छा वाला चलता है 1500 किलोमीटर ऐसा, और वो मन की स्पीड से चलने वाला कहीं भी जा सकता है। ऐसा विमान उन्होंने सृष्टि कर दिया। देखिए क्या होता है, योग सिद्धि। ऐसा पति होना चाहिए जो भगवान के भजन में मस्त हो। फिर क्या कहा, सर्व काम दुखम, उस विमान में क्या था वो बता रहे हैं, सर्व काम दुखम दिव्यम सर्व रत्न समन्वितम, उसके अंदर सारे प्रकार के रत्न थे, वो रत्नों से ही बना हुआ था, सारी वस्तुएं उसके अंदर थी, जो चाहिए सुख भोगने के लिए वो वस्तुएं सब वहां थी। सर्व बुद्धि पयोमोदरकम मणि स्तंभे रूपस्कृतम, उसमें बेड ले लो, पलंग ले लो, कत्यकिया ले लो, फलाना ले लो, दिमाग ले लो, रसोई लो, बाथरूम लो, सब कुछ उसके अंदर था, सब देख, सब कुछ था इसको देख करके। और पति देव कर्दम मुनि बोले, अरे पत्नी तुम जाओ इस बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। देखा था वो फटी पुरानी मैली कुचली धोती साड़ी, क्योंकि साबुन नहीं वहां पे, राजमहल वाले रहने वाली कन्या आ गई मेरे पास। पति देवी ने बहुत सोता है, सोचा कर्दम मुनि ने तो उनके लिए कर रहे हैं सो काम। फिर क्या हुआ, वो तो गई पानी में स्नान करने के लिए, जैसे ही गुपची डुबकी लगाई वहां एक बहुत बड़ा राजमहल देखा पानी के अंदर, और उसमें हजारों कन्याएं सेविकाएं थी, और उन्होंने देखा देवहूति को और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और बोली, हे देवी हम आपकी क्या सेवा करें, आपकी ही सेविकाएं हैं हम। उन्होंने पकड़ के देवहूति को अच्छे से स्नान कराया और पकड़ के ले गई विमान में, निकाल के पानी में से विमान में ले गई, वहां जाके श्रृंगार किया, उनको सजाया, अच्छे से लगाया, सब कुछ बाल काट दिए, सब अच्छा हो गया, लाए लेके आ गई कर्दम मुनि के सामने। कर्दम मुनि को देख करके थोड़ी लज्जावती हो गई देवहूति। कर्दम मुनि ने देखा अपनी पत्नी को, अरे तेरी की तो जैसी थी मेरे शादी से पहले वैसी ही हो गई है, अच्छी बात है, खुशी हो गए वो भी। ये सब देख करके विमान और पानी के अंदर राजमहल, हजारों सेविकाएं, इतना सब कुछ देख करके, और देवहूति का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनको मालूम पड़ गया मेरे तो पति देव इस दुनिया से अलग हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जैसे देवहूति का शरीर था शादी से पहले वैसा ही हो गया, और कर्दम मुनि ने देखा, और कर्दम मुनि ने देवहूति के साथ हजारों वर्ष दीर्घ काल तक, मेरु पर्वत एक है जहां पर कुबेर आनंद भोगते हैं, ऐसे आनंद भोगा। किम दुरापादनम ये साम पुंसाम उदार चेतसाम ये राश्रितम तीर्थ पदश्चरणों व्यसनात्यय। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, जो भव भयहारी भगवान के श्री चरणों में दिल पूर्वक गंभीरता से लग जाता है ना, उसको इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, उसको सब मिलता है। इसी कारण कर्दम मुनि को सब कुछ मिल गया है। इसलिए सांसारिक कार्यों को करते हुए आध्यात्मिक कार्य भी करना चाहिए। आध्यात्मिक कार्य मुख्य है मनुष्य स्वरूप में, भौतिक कार्य सांसारिक कार्य तो दूसरे नंबर पर है। आजकल दुनिया उल्टी हो गई है, वो सोचते हैं परिवार पालन करना उनका कर्तव्य है। अरे कर्तव्य तो भगवान की सेवा करना है, ये तो झंझट है, इसको देखभाल करना है। अरे भौतिक परिवार तो झंझट है, इसको देखना है,
रक्षा करना है, सब सुविधा देना है, लेकिन कर्तव्य तो भगवान को संतुष्ट करना है ना। तो कर्दम मुनि ने 9 रूप बनाए, उनको पता पड़ गया कि स्त्री को एक साथ में 9 बार चाहिए समागम। पुरुष तो एक बार में संतुष्ट हो जाता है खत्म, लेकिन स्त्री को 9 बार चाहिए। तो उन्होंने 9 रूप बनाए, 9 रूप बना करके वो कर्दम देवहूति के साथ सैकड़ों वर्ष विहार किया, बहुत वर्ष विहार किया। और देवहूति भी बड़ी संतुष्ट रही, मेरा पति तो इतना अच्छा है, 9 बार 9 स्वरूप ले लिया है, मेरी तो पूरी संतुष्टि हो रही है मेरी। ऐसा हो गया, इतना लंबा समय सुख भोगा देवहूति ने पति के साथ, उसको 1 मिनट जैसा लगा। लेकिन कर्दम मुनि तो आत्मज्ञानी थे, भगवान के भगत, सारे संकल्प जो वचन दिया है भगवान को, ब्रह्मा जी को, अपने गुरु जी को, सब याद है उनको, वो भूले नहीं। उन्होंने देवहूति को संतान देने को कहा था, और उनको पता पड़ गया कि अब देवहूति को संतान चाहिए। तो उन्होंने 9 कर्दम मुनि हो गए थे ना एक से, तो 9 बार उन्होंने अपना वीर्य उनके गर्भ में रखा देवहूति के लिए। उसमें से 9 कन्याएं हुई एक दिन में, एक के बाद 9 कन्याओं को प्रसव किया देवहूति ने। 9 कन्याएं जब पैदा हो गई कुछ समय पश्चात, और देवहूति को याद आ गया, अरे तेरी मेरे पति ने तो विवाह के समय पर वचन दिया था संतान हो जाएगी तो मैं जाऊंगा संन्यास ले लूंगा, उनको तो भगवान पसंद है, उनको तो घर बार पसंद नहीं है। तो बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए, भगवान पसंद नंबर एक, बाकी घर द्वार बाद में। उन्होंने याद आ गया ना, दुखी हुई कि पतिदेव चले जाएंगे, दुखी से रोने को इच्छा शुरुआत हो गई, लेकिन उसने अपने आंसू रोके, आ गई पतिदेव के पास हाथ जोड़ती हुई, घबराती हुई, और लेकिन मुस्कराती हुई, रोना नहीं, मुस्कराती हुई। पति के सामने रोने की क्या जरूरत है, पति इतना अच्छा है तो रोना की जरूरत नहीं। बाला नाम स्त्री नाम से रोदनम बलम, ये बात नहीं है कर्दम मुनि और देवहूति के पास। सब कर्दम मुनि तो महायोगी है, उन्होंने तो एरोप्लेन निकाले, सब मालूम है देवहूति को, तो ऐसे पति के सामने रोना नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, खड़े हो गई और अपने अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। तो पति देव समझ गए रहते इसको कुछ चिंता लगी है भाई, और ये चिंता लगी है बड़ी जोर की चिंता है, साधारण चिंता नहीं है। तुरंत समझ गए, ऐसे जब स्त्री करती कुरेदती है तो समझ जाना चाहिए। तो क्या हुआ, पूछे क्या बात है भाई। देवहूति बोली, हे पतिदेव, विवाह के समय में आपने कहा था संतान के बाद में चला जाऊंगा, आप चले जाएंगे मुझे मालूम है, आप रुकेंगे नहीं, अपने वचन पर बद्ध पड़े हुए हैं आप। मनुष्य की कीमत उसकी जवान से होती है, जवान पर खड़े रहने वाला आदमी ही मनुष्य होता है, बाकी जवान घेर देने वाला खत्म। तो क्या हुआ, मुझे मालूम है आप चले जाएंगे, लेकिन ये जो 9 कन्याएं पैदा हो गई हैं उनके लिए सही प्रकार से वर खोजना है, और मैं जन्म मरण के बंधन में पड़ी रह जाऊंगी, मेरे को भी तो देखना है, इसके लिए भी तो कोई चाहिए। क्योंकि राजकुमारी थी, उसने घुमा फिरा के बात बोली, भगत तो सीधा बात बोलता है मुझे एक लड़का चाहिए, ऐसे बोल सकती थी वो, लेकिन राजकुमारी थी तो घुमा फिरा के बोल रही है कि एक लड़का चाहिए। वैष्णव का एक लक्षण होता है वो सीधे बोलता है, घुमा फिरा के नहीं बोलता है, लेकिन करे क्या। तो फिर वो तो कहती है, हे पतिदेव, मैंने सारा समय आपके साथ परमात्मा को याद किए बिना बिता दिया है, सुख भोगते हुए मैं भूल गई भगवान को।
इंद्रिय सुख में निरर्थक प्रकार से मैंने सारा समय गमा दिया, लेकिन आप जैसे शुद्ध भगत, ग्रेट अंग्रेजी में बोलते हैं शुद्ध भगत, और ऐसे आदमी के साथ जब कोई रहता है तो उसका कोई बर्बाद नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता। क्योंकि शास्त्र कहता है संगो ही संस्कृतेर हेतु असत्सु विहितो धिया स्वयं साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। बात सही है, सत्पुरुष का संग संसार बंधन को छुड़ा देता है, किंतु वही संगत यदि तुच्छ आदमी से किया जाए तो नरक में लेके जाता है। वो जो चाय पीता है, पति तंबाकू पीता है, भांग पीता है, शराब पीता है, प्याज खाता है, पता नहीं कितना झूठ बोलता है, ऐसे पति के साथ रहने से तो नरक मिलता है। हे पतिदेव, मैं आपके साथ रही, मेरा समय निरर्थक नहीं जाएगा, मुझे पता है, मुझे तो मोक्ष मिलेगा, मैं समझती हूं। आपकी संगति निरर्थक नहीं जाएगी, अवश्य मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पतिदेव, हाथ जोड़ के ऐसे विनय पूर्वक देवहूति ने पतिदेव से प्रार्थना की। श्री राधा गोविंद भगवान की।